वालेकुम। तो भाई जान, कैसे हो तुम सब लोग? ठीक ठाक हो? फिट फाट हो? तो आज बड़े दिनों बाद तुम लोगों से बराह रास्त अपने घर ईडन गार्डन से मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ। तो यार आज ना बड़े दिन हो गए हम व्लॉग कर रहे थे, कभी राइव एंड कभी कहीं कभी कहीं। तो मैंने कहा आज व्लॉग करता हूँ तुम लोगों के साथ, आज यहीं पर हम लोगों ने व्लॉग करना है। तो फिर सीन कुछ ऐसे है कि आज व्लॉग शुरू कर रहे हैं शाम को, तो शाम को ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तो इस वजह से अभी जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा खेलने मोबाइल ही लेके जाऊंगा। मोबाइल लेके जाऊंगा तो मोबाइल टूट सकता है, एक ही मोबाइल है, दोबारा कोई दूसरा मिलना नहीं है। अच्छा, तो आपका भैया आज ब्लॉग शुरू करके भी बाहर जा रहा है, खेल के आएगा, फिर कुछ ना कुछ कॉन्टेंट सोचेंगे, थोड़ी देर में कॉन्टेंट निकालना है आज हमने। देखो अब सोचेंगे क्या करते हैं आप लोगों के साथ मिलके। तो फिर मुझे बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद है आप लोग प्यार देंगे, नहीं लव यू करेंगे मेरे साथ। यार ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तुम लोगों ने तो कर लिया, अब आगे दूसरा काम तुम लोगों ने क्या करना है, अपने कजनों से कराओ, दोस्तों से कराओ, रिश्तेदारों से कराओ, उनके मोबाइल पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब का बटन ठोको। तो अहमद, अहमद को भी देख ले बड़े दिनों बाद। अहमद साहब पबजी खेलने में मसरूफ हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और करते हैं आज के व्लॉग को शुरू। अच्छा जी, तो फुटबॉल खेल के आपका भाई आ गया है वापिस, तो ये देखें भी फुटबॉल खेल के वापस आया। सीन ऐसे वहाँ पे इस वजह से मोबाइल नहीं ले गया था, तो वहाँ पे कोई व्लॉग व्लॉग नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं दिखाया। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरा कहती मुझे नहीं दिखाना, इतने दिनों बाद आई हो, क्यों नहीं दिखाना? नहीं दिखाना क्यों? वैसे ही क्यों? वैसे ही वैसे ही क्यों? पढ़ाइयाँ कर रही हो इसीलिए नजर लग जाएगी। हंसी जा रही है, पागल हो गई है, मुझे बताओ ना क्यों नहीं बताना, क्यों नहीं बताना? शर्माई जा रही है। सलाम अलैकुम पापा जी। वालेकुम सलाम। हाँ ये कर दें, आप भी बड़े दिनों बाद आए। बाय। तो बाहर ना अभी आए हुए हैं अहमद के कुछ दोस्त आए हुए हैं, तो मेरी भी उनके साथ ना अच्छी सलाम दो, दोस्ती दोस्ती है थोड़ी बहुत। तो अहमद के दोस्त हैं क्यों, तो मेरी भी थोड़ी बहुत उनके साथ दोस्ती है। शीशे में देखे बड़े दिनों बाद शीशे में आए, तो अहमद उनको खिलाने की चिप्स खिला, लेकिन अहमद के पास ना आज पैसे पूसे नहीं है, तो अहमद की जगह मैं उनको आज खिला रहा हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, आज मैं खिलाता हूँ, साथ साथ अपना दिल बड़ा करते हैं। तो उनके साथ इसके बदले एक छोटी सी डील हुई है कि मुझे सब्सक्राइबर लेके देंगे, मजाक कर रहा हूँ। तो वैसे उनको चिप्स चिप्स खिलाने जा रहा हूँ, तो पैसे वॉलेट घर था, वॉलेट पकड़ने आया हूँ, तो फिर चलते हैं उनको चिप्स खिलाने। अहमद गरीब जो अपने दोस्तों को चिप्स नहीं खिला सकता। नहीं खिला सकता, मैंने चीजें ऑर्डर की हुई है, तो उसके लिए पैसे रोकड़ा जमा कर। कितने की चीजें ऑर्डर की हैं? ये बात कितने हजार की जाती है? यही कोई है कि 60,000 की, 600 रुपए की। प्यारा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है भाई माना शेख। और ये शेख नहीं हूं, अब्दुल रहमान शेख। अब्दुल रहमान शेख नहीं, अब्दुल रहमान क्या था भट्ट? अब्दुल रहमान नहीं, रहमान नहीं, अब्दुल रहमान रहमान होता ये होता। शेख ऐसे होते हैं, शेख ऐसे होते हैं, प्यारे प्यारे शेख। हम तो जाते होते हैं, जाते मुझे भाई क्लोज करके भाई मुझे भाई। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नजर आ रही, तभी जाके मिल रहा मुफ्ता। खाओ खाओ, मैं कुछ सबूत रखे हैं खिलाई थी। तुम लोग नहीं नीचे कमेंट कर सकते हो ना कि भाई कुछ चिप्स नहीं खिलाई थी। ये हो सकता है इस तरह से, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? आपको अंत शेख पुशअप करके दिखाएगा। वो माना शेख बेटा, वो सबसे ठीक है। माना शेख ने तो भाई साफ कहा उससे नहीं होता पुशअप, तू भी कह दे। हाँ तो मेरे से भी नहीं होता, बस अभी तो, दो मिनट पहले इसने क्या कहा था? तो मर्द नहीं है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मर्द नहीं है ला, मैं आई अभी दो मिनट पहले आया मैं। चल झूठा, कौन है, हु आर यू? 18 प्लस कंटेंट ना बनाओ मेरे ब्लॉग को, कॉपीराइट आ जा। हाँ यार चल आओ ना, एक पुशअप चल ना। मैंने तो स्कूल जाके समीर को करना, जस्ट वन। कैमरा बंद कर जी। तो फिर भाईजान अहमद के दोस्त तो गए हैं, चल
तो इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, आज शुरू हो गया जी फीफा वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप का आज लग गया पहला मैच और मेरे ख्याल से पहला गोल होने लगा आज वर्ल्ड कप का। एक्वाडोर को मिल गई है जी पेनल्टी, कतर वर्सेस एक्वाडोर चल रहा है। तो पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट्स चैनल पे नहीं लगा हुआ भाई जान फीफा वर्ल्ड कप, तो हमें ऑनलाइन मजबूरन देखना पड़ रहा है। मैं तो नहीं इंटरेस्टेड। तो व्लॉग में क्यों आ रही हो? व्लॉग में इंटरेस्टेड हो? गोल हो गया हुआ ये देखें, लेकिन हमने नहीं देखा भाई कैसा गोल हुआ है। थी पेनल्टी, पेन मिली थी लेकिन उस पर गोल हुआ है। अच्छा ये तो अगला है, अब आगे भी कुछ हुआ है लेकिन भाई मज़ा नहीं आ रहा ऐसे देखने के, सब कुछ करना पड़ेगा। या तो कोई यार ऐप देखेंगे, कोई और साइट देखेंगे। वर्ल्ड कप तो उनको देखना ही देखना है। तो बहरहाल उसको छोड़ो, आपका भाई इधर समोसियाँ समोसियाँ फ्राई कर रहा है, आपको वो दिखाता है। छिंकियाँ आ रही हैं तो पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे। फैंस बहुत है यार, 450 ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर लेके बैठा हूँ मैं, तो फैंस तो होंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो भाई जान वर्ल्ड कप का पहला मैच हमने देख लिया और एक्वाडोर ने कतर को उनके होम ग्राउंड में पेल दिया है। तो बाकी सीन सब कुछ ऐसे है, हम लोग अभी लगे हैं सोने, तो व्लॉग अभी कुछ खास पूरा तो नहीं हुआ है, तो इसलिए व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू सुबह। तो फिर अभी सोते हैं, सुबह उठ के आप लोगों से मिलता हूँ। The next day. So good morning. तो भाई जान वैसे गुड मॉर्निंग कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि नहीं सोए, सारी रात नहीं सोए हम लोग। क्या करते रहे? पेपर होने वाले हैं भाई जान, पेपर है मंडे से। तो पहला पेपर कल रहा, डेट शीट भी आ गई, काउंटिंग का पेपर था, थोड़ी सी शर्म आई, मैंने कहा पढ़ पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा काउंटिंग के सवाल सोल किए, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भी थोड़ा सा ठीक है, बाकी कहाँ गया? ये देखो ना, ये सारे सवाल सुल किए। खैर तो काउंटिंग भाई वो चीज़ है, मैथ की तरह करोगे, हाथ से गुजारोगे तो आएगी, वरना ये थ्योरी थ्योरी थे यानी कि याद रहे। बाकी अभी मैं उठा था तो मुझे नज़र आया कि मिराज जा रही है ट्रिप के साथ। हाँ जी मिराज का आज ट्रिप है, इधर आओ। आज मिराज के स्कूल का ट्रिप है और मिराज मैडम जा रही हैं। किधर जा रही हो? ऊंची बोलो। राणा रिसोर्ट। वो क्या होता है वहाँ पे? मैं क्या होता है? कभी नहीं गई। पहली दफा जा रही हो? हाँ। मतलब फिर आके बताओगे इन सबको कैसा था राणा रिसोर्ट? मैंने सुना है बहुत बड़ा पार्क टाइप कुछ होता है, वहाँ झूले होते हैं, बोटिंग होते हैं, बोटिंग भी करनी है मैंने, और स्विंग लेनी थी, और ट्रेन, एक और झूला था पता नहीं। मतलब फुल एंजॉय होगा आज। क्या क्या लेके जा रही हूँ? बहुत कुछ। क्या यार रात को ये ना चीजें लेके आई है शापर भर के, और वो शापर इसने डाली है बैग में, बैग एक भरा हुआ है इसने, तो खाने पीने के लिए, सफर में एंजॉय करने के लिए। ये देखिए बैग इसने भरा हुआ है चीजों से। सब ये ना मैं चीजें पूरी नहीं आ रही थी, फिर मैंने हवा निकाल के उनको अंदर। हाँ ये गलत बात है, चीजें ना अंदर पूरी नहीं आ रही थी, मैंने लेस उसके अंदर ना छोटी छोटी सुइयां सुई, उसकी जो हवा थी उसको बाहर और फिर घुसा दी, ऐसे पूरी आई हैं चीजें। दो भाई भाई बयान ने भी मेरी चीजें ली हैं। क्या लिया? पापड़ लिया था मैंने, सिर्फ एक चॉकलेट ली थी। बाकी बहरहाल अभी मेरा मैडम जा रही है, इसको करते हैं अल्लाह हाफिज़ मिराज, जाओ जाओ, बाय 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 बाय। तो 7 बजे से जाना है, 15 मिनट रह गए हैं सिर्फ, तो इसको भेजते हैं और हम लोग पढ़ते हैं दोबारा, थोड़ा सा सो जाएंगे। तो इसके आने पे आप लोगों को इससे दोबारा मिलवाते हैं, बताते हैं कैसा रहा इसका ट्रिप। यो तो भाई जान मिराज तो चली गई है, लेकिन पापा ने हमारे जिम्मे काम लगा दिया। वो काम कुछ ऐसे है कि पापा कह रहे हैं कि 7 बज गए हैं, 7:30, 7:45 आना है दूध वाले ने, तो दूध लेके सोना अगर तुम ऐसे सो गए अभी, तो पापा को भी पता है, सबको ही घर में पता है कि 7 सो गया तो उसको उठाना मुमकिन नहीं, नहीं नामुमकिन है। तो इससे पापा ने कहा लेके ही सोना, तो अपने पास अभी 1.5 घंटा और है, मैंने कहा उतनी देर हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जब पापा ने ये कहा कि अभी 40 मिनट हैं दूध वाले के आने में, तो मैं कहा इतनी देर क्या करें, तो सोचा यही कि कीमती वक्त है, इसको काम में लाते हैं, तो क्या करेंगे पढ़ेंगे।
हेलो। तो भाई जान उठ गए हम लोग, ठीक है, सो के हम लोग उठ गए थे। उठ के हम लोग कोई लेट ही उठे, उनके सुबह तो 8 बजे तो मैं सोया हूँ, तो सारी रात सोया नहीं, पढ़ रहा था। तो उठते ही मैंने पहला काम क्या किया, ये देखो कटिंग करा के हूँ, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, पहले भी बाल देखे थे, अभी भी देखे, तो कटिंग करा के आया हूँ। अच्छा यार, जाने से पहले व्लॉग नहीं बनाना, याद रखे मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ, तो वो इस वजह से कि बस वैसे ही नहीं याद रहा, तो आके मैं कब दिखा दूँ। वैसे बाल तो आप लोगों ने पहले भी देखे थे, देखे चेंज थोड़ा बहुत लग रहा होगा, कटिंग करा लिया ना। तो बहरहाल जैसा कि आपको कहा था, मिराज का ये राना रिसॉर्ट अपने टूर के साथ मिराज आने वाली है, सियान उसको लेने गया हुआ है, तो आती है मिराज, तो मिराज का इंटरव्यू करते हैं, मिराज से पूछते हैं भाई कैसा रहा उसका ट्रिप, क्या क्या उसने देखा, क्या क्या उसने इंजॉय किया, सारा उसे डिटेल लेंगे। तो बाकी तब तक मैं नहा लेता हूँ, कटिंग करा के आऊँ ना, तो बाल चुक रहे हैं, तो मिलता हूँ आप लोगों से नहा के, और मिराज आती है तो आप लोगों को उससे मिलवाता हूँ। तो जी आपका भाई नहा धो के वापस आ गया, ये देखे फ्रेश हो के प्यारा लग रहा हूँ ना, एकदम वधिया। और मैं बाहर आया तो मैंने क्या देखा, मिराज आ गई है, लेकिन पता चला है ओए इसको बुखार हुआ है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार हुआ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ड्रामे ऐसे कह रहे जैसे पता नहीं बहुत ज्यादा हुआ। नींद आ रही ना? नींद आ रही, क्यों रात को नहीं सोई? थक गई हूं। क्यों थकी हो? चल गई हूं। पैदल गई थी वहाँ पे, इतना चले, इतना बड़ा पैदल गई थी, हिरन भी थे, जिप लाइन भी हमने की। तुमने जिप लाइन ली? हाँ। टूटी नहीं भाई? नहीं अच्छा, इतने बड़े बड़े लोग ले रहे थे। ये तुमसे भारे भारे? मेरे टीचर ने भी ली। अच्छा मजा आया? क्या रिकमेंड करती हो मेरे फैंस को, राना रिसॉर्ट जाएं के ना? राना रिसॉर्ट जाएं, लेकिन पॉकेट में पैसे डाल के लेके जाएं। नहीं, वैसे झूले जो सिंधबाद में 100-100 के मिलते, वहाँ 50-50 के, मजेदार थी, मतलब सस्ता था सब। अच्छा दूर था के पास था, जरा हमारे देखने वालों को ये तो बताएं, अगर मोटरवे से जाएं हम मोटर में, अगर मोटरवे से जाएं तो डेढ़ घंटे। ओए एक मिनट पॉज, तुम्हें मोटरवे का किसने बताया है? फ्रेंड ने बताया था। क्या कहते, अगर मोटरवे से जाए तो एक आधा घंटा, दोनों ही आ जाते हैं ऐसे। अच्छा एक आधा लगता है, अगर हम कहीं और से गए तो वहाँ पे तो दो, हम 10:30 पहुंचे थे। तुम्हारी दोस्त तो बड़ी नॉलेज वाली है, उसको सारा कुछ ही पता है मोटरवे। बाकी मेरा आज जो शॉपर लेके गई थी, मैंने नहीं बनाने, मैं लेने जा रहा हूँ, मामा ने बनाने हैं, तो इसको थकी हुई है बेचारी, बहुत ज्यादा चावल ले आते हैं, खाएगी ये, फिर थोड़ी जान जोन बनाएगी। छुट्टी सुबह? हाँ बुखार भी हो रहा है थोड़ा सा। छुट्टी नहीं करनी, छुट्टियाँ करती रहती हो। मैंने इस हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं की। बहुत ही सैड होने वाली बात है, मिराज ने सब छुट्टी नहीं की, खैर मैं चावल लेके आता हूँ, इसके ड्रामे तो ऐसे ही चलते रहने। बाय बाय मोटो, बाय बाय, जल्दी चावल लेके आओ। ओके क्यों नहीं बना ना? वैसे अभी नहीं, तुम तो सोने लगी थी ना भाई, क्यों नहीं बंद कर दो भाई, तो सोई क्यों नहीं? मैं नींद नहीं आ रही, पढ़ने लग गई सुबह, स्कूल तो जाना नहीं। अच्छा क्या बनना तुमने बड़े होके? भाई बता नहीं जा, बताओ ना, शर्मा क्यों रही हो? नहीं ले, हमें तो बड़ा बताती हो, हमें पता है क्या कहती है, मैं कुछ नहीं बनना, इंसान बन जाना वही काफी है। फिर बताओ, ये व्लॉग नहीं डालना, ये व्लॉग डालेगा, लास्ट में डालेगा। मेरा आज कहती है इसने बड़े होके बनना है डॉक्टर, इसलिए ज्यादा ज्यादा पढ़ती है, पढ़ना ना है ना, डॉक्टर बनना ना, मोटी डॉक्टर। अच्छा बहरहाल यार व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ऐसे ही मजीद व्लॉग देखने के लिए सात व्लॉग्स के साथ जुड़िए रहिए। बाकी यार अगला व्लॉग मैं कोशिश करूँगा अब संडे को ही आएगा, क्योंकि पार्क व्हील्स का ऑटो शो आने लगा है, वो भी कर लेंगे, पार्क व्हील्स का ऑटो शो आने लगा अभी फैसलाबाद में, तो उसका व्लॉग मैंने करना है अब संडे को, तो उससे पहले मैं कोई व्लॉग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मंडे से पेपर से उनकी तैयारी भी शुरू करनी है, तो आज से तैयारी भी शुरू कर रहे हैं दोस्त वगैरह सारे कंबाइंड स्टडी के लिए, दोस्त की तरफ मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर तक, तो फिर इस वजह से संडे को आएगा। कर दो अब व्लॉग को एंड, अल्लाह हाफिज़।